की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के वीडियो में आपको क्लास इलेवंथ में यानी कि 2.11 से 2.15 एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलो वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। यानी क्वेश्चन है 2.11, इसमें है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर 4.234 मीटर, 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। गिव द एरिया निकालना और एंड वॉल्यूम ऑफ द सीट इज करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, निकाल के करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिखना है। तो हम पहले मान लेते हैं लेंथ हमारे क्या दे रखी है। लेंथ हमारा ब्रेथ भी आती है और हम थिकनेस को हम हाइट मान लेंगे। हाइट की मीनिंग ऐसी तो आती है ना। ठीक है। तो यानी कि जो ये है, जो लेंथ कितनी दे रखी है हमारे पास 4.234 मीटर, ठीक है। ये कितनी दे रही है 1.005 मीटर, ये दे रखी है 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी हम सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि हम डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, डिवाइड तो करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0201 मीटर, ठीक है। अब हमें यानी कि एरिया निकालना है, ठीक है। तो हमें सिंपल से लेना भी लिखता हूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पहले पढ़ा था एल बी, एंड पिछले वाली क्लासों में पढ़ा था हमने, 9th में पढ़ा था एल बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। कुछ यानी थोड़ी मैं इन डिजिट को लिख देता हूँ यहाँ पे। ये निकालने में 2 एंड लेंथ की हमारे पास डिजिट दे रखी है 4.234 प्लस नहीं आएगा, ठीक है, इंटू, ठीक है। इसकी कौन सी है 1.005, ठीक है, प्लस ब्रिथ 1.005 इंटू, ये हाइट कितनी है 0.0201, ठीक है। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ जगह नहीं, ऊपर जगह फिर दिखेगा नहीं, ये पहले वाला दिखेगा नहीं आपको। प्लस 0.0201 इंटू किससे, लेंथ से करना है तो 4.234। दोस्तों कुछ बड़ी डिजिट हैं यानी कि बॉन्ड में, मैं इसे बिना देरी किए मैं यानी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। सिंपल कैलकुलेटर कहाँ है अपना, ये रहा, खुल गया, ठीक है। नॉर्मल सा कैलकुलेटर है, ठीक है। क्या करना है, 4.234 पॉइंट हो रहा है क्या, टाइप हो रहा है क्या, इसमें नहीं हो रहा है क्या, अरे हो जा, क्यों माथा खराब कर रहा है तू, ठीक है। 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 सॉरी इक्वल टू क्या, हाँ एरर बता रहा है ये, सॉरी रुक जाओ यार, एरर क्यों बता रहा है। 4.234 मल्टीप्लाई 1.0 करना था ना जी यार, 1.005 अब तो सही है ना, हाँ अब सही है, हाँ अब क्या रह गया, तब क्या रह गया हमारे पास क्या है, 4.25517, ठीक है। अब प्लस आगे करते हैं, हम आगे वाला करेंगे, हम इससे कट हो गया पूरा, हो गया शायद, ठीक है। तो 1.1005 मल्टीप्लाई में 0.0
0201 0201 ये है ना, ठीक है। ये करेंगे तो हमारे पास आया 0.020205। थोड़ा आसान हो गया इससे, वरना अभी तक करते रहते। ठीक है हमें यानी दो लास्ट वाले बच रहे हैं उनको करना है 0.020201। ये है ना, मल्टीप्लाई में हमारे है 4.4.4.234। ये है ना, हाँ यही है बराबर। हमारे पास आ गई, ये कितना है बस नीचे लिख लेता हूँ मैं, 0.0858510341034। हमें इसको ऐड भी करना होगा, ठीक है तो हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने फोर क्या है हमारा फोर पॉइंट लिख क्यों नहीं रहा, रुको रुको, हाँ अब लिखिएगा, हाँ 4.2 4.255255 17 प्लस 2.0 2.0 2 0005, सही है, ठीक है। तो प्लस में प्लस करेंगे हम, यहाँ पे इसका करेंगे हम, तो यहाँ पे किसका करेंगे 0.0085 0.0851034 1034। हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है सही रखा था क्या मैंने, वाह ठीक है सही है, तो हमने सही रखे थे। तो चलो हम इसको करते हैं, तो ठीक है हम इसको करते हैं, देखो इज इक्वल टू 2 6.3603234। हमारे इस कैल से हमारा आसान हो गया थोड़ा, वरना अब तक कम करते ही रहते, हाँ अभी तक करते रहते, ठीक है। तो अब हमें और भी करना है, जैसे कि यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको करना है हमें 2 × 6.36 6.36 0.32 0.32 34। गलत हो गया क्या, हाँ 0.0323234 इक्वल टू हमारा आ गया 12.720 12.720 लिख जा 720। आए कितना है 6468 6468, ठीक है। हमें ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना था, ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं 12 पॉइंट, इसको कर देंगे तो 7 कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम मीटर क्यूब यही आएगा, और आप देख लेना, ठीक है मैंने जितना आया वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम यानी कि अब हम सीधा से निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, अब हम ए वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है वॉल्यूम निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का होता है एल इंटू बी इंटू एच, बहुत ईजी। तो लेंथ मान कितनी है, इधर मैं किधर कर लेता हूँ, जगह तो है नहीं, इधर जगह गुणों पर मैं लिखूँगा ऐसे डिजिट 4.234 × 1.005 × 0.0 0.0201, सिंपल जी कैलकुलेटर, ठीक है। बड़ा करने दे इसका, इसको उधर करना है मुझे,
ठीक है, इधर इतना बोला ठीक है। 4.4, सॉरी ये पहले लिखा हुआ है, 4.2 3434 मल्टीप्लाई में है 1.1005 ठीक है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई में 0.0201 सही है, मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आंसर आया इसका 0.08552। अरे इतना बहुत ही ज़्यादा नीचे लगे, 8552 8917 मीटर क्यूब। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, चेक करने दो एक बार कि ये सही किया है क्या हमने, 4.2341 ठीक है। तो इसको मैं देखता हूँ, देखें यानी कि हमने मल्टीप्लाई यानी फॉर्मूला भी हमने सही लिखा है, फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं किया हमने, फॉर्मूला सही लिखा है। तो देखो वो एक मिनट, फॉर्मूला तो एल मैंने कि एल इंटू बी इंटू एच ही होता है, इतना मुझे पता है कि एल इंटू बी इंटू एच होगा, और हमने वो निकाला था वो भी सही होगा हमारा, क्योंकि हमने पूरा बिल्कुल कोई भी अगर स्टेप गलत किया होगा तो एक भी अगर स्टेप गलत हुआ तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये जो 2.11 का है यानी कि बिल्कुल सही है। हाँ तो सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं हम 0.085 मीटर क्यूब लिख सकते हैं या फिर 8.55 मीटर क्यूब, यानी सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। तो हम चलो हम बिना देरी के सेकंड करते हैं, खूब टाइम हो गया शायद इसी को करते करते, ये वाला हमने कर लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के लाइक करना ठोकना। मास ऑफ ए बॉक्स मेजर्ड ग्रोसर बैलेंस इज 2.30 केजी, टू गोल्ड पीसेस मास 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, व्हाट इज ए? ए हमें निकालना है द टोटल मास ऑफ द बॉक्स, टोटल मास हमें यानी कि ऐड करना था, डिफरेंस इन द मास पीसेस इन बिन फिगर्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ठीक है। हम इन्हें के जी में कन्वर्ट करेंगे यानी कि हम देख सकते हैं 2.3 केजी, ये तो हमारा वो है मास है हमारा ग्रोसर बैलेंस का ठीक है। अब हम यानी कि जो पीसेस है तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पीस का हमारा कितना है 20.15 है ठीक है। तो सॉरी ज़्यादा लिख गया, डिजिट कुछ ज़्यादा लिख दी मैंने ठीक है, 15 है ठीक है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है के जी में, ये ग्राम में है तो हमें इसके यानी के जी में कन्वर्ट करना है। तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा, ये होगा ए, ये हो जाएगा ठीक है, यानी के जी में हो जाएगा ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो इसको करेंगे 20.17 को तो हम 0.02017 के जी ठीक है। तो हम इनको अगर हमें जो ऐड करना है हमें इनको ठीक है, हमें ऐड निकालना है इनका पूरों का, तो हम लिख सकते हैं कि यानी कितना है पहले यानी 2.30 केजी 2.30 0.02015 या फिर 0.00 लिख दो ताकि हमें यानी डिवाइड करना आसान हो, सॉरी ऐड करना आसान हो जाए, 0.2017 प्लस हमें यानी कि वो करना है ऐड ही तो करना है हमें 12 1, ये 3 हो गया, ये 0 2 4, ये 3, ये पॉइंट, ये 2, ये हमारा आंसर आ गया ठीक है। और हमें यानी कि इसको यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, यानी कि अब हम यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो सबसे कम यानी इसके पास 2.3 है तो हम इसको मान सकते हैं 2.3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.3 केजी। अब ध्यान से देखो तो इस 2.3 केजी आया वो तो हमारे पास पहले भी यही था, ये पहले भी यही था, इसका मतलब तो हमारे जब इन दोनों का हमने वेट जोड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यानी कि ये तो एक यानी सिग्निफिकेंट फिगर से बताने के लिए कहा था, इसलिए इतना यानी गोल्ड का भाव बहुत होता है यानी 0.2015 केजी ठीक है। तो हम चलो अब हमें क्या करना है यानी इनमें से वो निकालना है, क्या निकालना है यानी डिफरेंस निकालना है। तो हम यानी ग्राम में ले लेते हैं इनको,
20.17 20.15 माइनस 7 5 के 2 0.02 0.02 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो चलो हम 2.13 करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी एज फॉलोज। पी इज इक्वल टू, ये करना है पी इज इक्वल टू है ये, ठीक है। तो हमें इसको परसेंटेज एरर हमें मेजर दे के रखी है 1342, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन पी, पी का हमें परसेंटेज एरर निकालना है। इफ द वैल्यू पी कैलकुलेटेड, अगर हमें इसका करने के बाद हमारे पास ये आती है तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड ऑफ करके लिखनी है, ठीक है। यानी इसको लिखना है हमें राउंड ऑफ करके, किसको लिखना है इसको, इसको दिख रहा है, इसको लिखना है सिंपल सा, ठीक है। तो हम चलो, यानी कि पहले हमारा क्या है, पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन डी एंड रूट जी सुई रूट सी इंटू जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम जो हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल ए अपॉन ए लिख सकते हैं, हम कितनी दे रखी है डेल ए अपॉन ए की 1%, हम ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो हम इधर लिख देते हैं, अब डेल बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3%, डेल सी अपॉन सी इज इक्वल टू 4%, और डेल डी अपॉन डी इज इक्वल टू 2%। सिंपल सा हो गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे इनको, यानी कि हमें वो करना है, ठीक है। तो हम यानी कि हम कर सकते हैं डेल पी अपॉन पी निकालना है हमें, ठीक है। तो हम यानी कि हमने बताया कि जब हम पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, एरर्स में, ठीक है। तो एरर्स में जब आगे आएगी तो 3 डेल ए अपॉन ए प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। बी की पावर 2 है तो 2 डेल बी अपॉन बी। सी के क्या है दोस्तों, रूट है, सी के क्या है रूट। तो मैं इसे यानी कि हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, यानी जो सी का है, जो रूट की पावर होती है 1/2, तो रूट आ जाएगा डेल सी अपॉन सी, ये हमारा मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है, ठीक है। और डी की पावर कितनी है, डी की पावर है नहीं, तो हम सिंपल से डेल डी अपॉन डी लिख देंगे, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे हम किससे, यानी 100 से, डेल पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 3a/a मल्टीप्लाई बाय 100, तो पूरा ऐसे होगा, ठीक है, प्लस 2 डेल बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये भी प्लस 1/2 डेल सी अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या लिखना है, यानी कि परसेंटेज जो यहाँ पे है, यहाँ पे इतना इतना है, यहाँ पे सी की परसेंटेज एरर लिखनी है जो हमें दी गई ना, वो लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे डेल पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, एक की हमें कितनी परसेंटेज थी 1, बी की 3, तो 1 प्लस बी की कितनी थी हमारे पास 3 और पावर 2, 2 इंटू 3 प्लस, और जो हमारे पास सी की थी वो कितनी है 4, डी की 2, 4 है तो हाफ मल्टीप्लाई 4, तो प्लस डी कितनी है 2 है ना, हाँ 2 ही है, ठीक है 2 है, ठीक है। अब हम इनको, हमें इनको ऐड करना है, ठीक है, सिंपल सी ये तो हो जाएंगे डेल, सॉरी रुको एक मिनट, डेल पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 3, ये हो गया 6, 2 से ये कटा दो बार, दो 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 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2, और ये हो गया 2, ठीक है। तो हम इन्हें जोड़ेंगे तो डेल पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हमारे पास आया 6 4 10 13%। ये हमारी परसेंटेज एरर निकालनी आ गई, हमें राउंड ऑफ करके लिखना है इसको, ठीक है। तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम, यानी कि 3.763, इसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। हमारे पास परसेंटेज एरर कितनी आ रही थी, हमारे पास 13% एरर। इसमें कितने अंक है, 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3.7, ठीक है, राउंड ऑफ हो गया हमारा। तो हम बिना देरी के 2.14 करते हैं, ठीक है। ए बुक विथ मैनी प्रिंटेड एरर्स, एंड जो बहुत एरर है उसमें, कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूलाज आर डिस्प्लेसमेंट वाई इज टू अंडरस्टैंड पीरियडिक मोशन। इसमें 4 दिया हो, हमें दे रखा है कि ए डिस्प्लेसमेंट है, ए डिस्प्लेसमेंट, बी स्पीड, टी टाइम,
और वाई वाई क्या है, वाई भी डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल मोशन ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ एल, एल वन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है एल वन लिख लेता हूँ। ठीक है तो हम ए ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ए भी डिस्प्लेसमेंट है तो एल वन, यानी मैं इनकी डायमेंशन लिख रहा हूँ। ठीक है और जो हमारे पास जो वी दे रखा है वो हमारी स्पीड है, तो स्पीड का क्या होता है एल वन टी माइनस टू, टी माइनस वन सॉरी। ठीक है और जो टी है वो टाइम, तो हमारे पास एक चीज़ रह गई क्या, टी छोटा टी, इसको भी हम टी मान लेते हैं। ठीक है ये हमें ये है। ठीक है और हमारा फॉर्मूला क्या है, टी माइनस वन। ठीक है फॉर्मूला क्या है हमारा, हमें इसको करना है, इसको देखना है। तो हमारा ए पहला है y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए साइन टू पाई टी बाई टी। हमें अगर अगर ये फॉर्मूला सही है, अगर ये हमें देखना है कि सही होना चाहिए। ठीक है तो हम y को, y हमारे पास है L1, तो हम लिख सकते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो। ए का भी कुछ यही हाल है एम जीरो एल वन टी जीरो। तो अगर हमें ये, अगर हमें ये चाहिए, अगर ये वाला अगर हमें ये चाहिए ये, तो हमें इस जो इतनी टर्म बची है हमारे पास उसको यानी कि डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। ठीक है तो यानी कि हम यानी कि टू पाई इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये कोई काम का नहीं है, यानी ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पे ऊपर भी टी, ऊपर टी वन नीचे भी टी वन, तो ये कट जाएगा तो पूरा डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ये तो करेक्ट है, सिंपल सी बात, ये तो करेक्ट है। ठीक है तो चलो हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है सॉरी 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 क्या क्या, ठीक है हम सेकंड वाला फॉर्मूला देखते हैं। क्या वाई इज इक्वल टू ए साइन वी टी, ये वही है एल वन मान लेता हूँ मैं सिंपल से, इसको भी एल वन। अब इसको हमें जीरो करना होगा कैसे भी, तो मैं इसको लिखता हूँ कि हम इसको अल करते हैं डॉट, यानी कि तो वी क्या है, वी क्या है एल वन टी माइनस वन है और टी टी वन है, तो सिंपल सही है तो होगा नहीं। ठीक है तो माइनस वन जो होगा तो माइनस टू। ठीक है यानी कि जो वी है वो यानी कि रॉन्ग है सिंपल से। ठीक है हाँ पता चला। ठीक है अब सी करते हैं हम, वाई इज इक्वल टू ए बाई टी, ए बाई टी साइन टी अपॉन ए, टी अपॉन ए। ठीक है ठीक है वाई, तो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ए है तो ए हम एल वन और अपॉन टी वन, ठीक है टी वन है। ठीक है और साइन तो टी अपॉन ए है, टी अपॉन ए है तो टी हमारे पास है टी वन अपॉन ये एल वन। तो अगर हम ये भी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ये भी इनकरेक्ट है, टी से टी कट जाएगा एल से एल कट जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, तो पूरा डायमेंशन लेस हो गया। ठीक है तो हम आगे करते हैं, जो आगे हम करेंगे देखना, अब हमने सी तक कर लिया, अब डी तक, डी डी करेंगे हम, वाई इज इक्वल टू ए रूट टू, रूट टू लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है तो हम साइन टू बाई थीटा को टी को लिख देते हैं टी बाई टी, यानी मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट को नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है तो इधर भी टी बाई टी है, ठीक है टी से टी कैंसिल हो जाएगा और इधर एल वन तो बचेगा। ठीक है तो यानी कि ये वी करेक्ट है, तो हमारा यानी कौन कौन सा करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट और ए और डी करेक्ट है। ठीक है तो हम चलो हम 2.15 करते हैं, ये मैं इसमें दे रखा है, मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ कि इसमें दे रखा है कि हमें यानी कि जो सी की वैल्यू है, जो सी है हमारा उसे हमें रखना है। ठीक है सी क्या दे रखा है, हमें स्पीड ऑफ, स्पीड है हमारी सी, हमारी क्या है स्पीड है। तो हम लिखता हूँ धीरे धीरे एम, देखो एम है इज इक्वल टू मास है, ये एम जीरो भी मास है, रेस्ट मास है लेकिन मास तो है, ये तो बात है। ठीक है तो वी, वी क्या है हमारा, वी हम वी भी स्पीड है, वी भी स्पीड है तो एल वन टी माइनस वन। ठीक है तो हमें इसको यानी वो करना है कि अगर ये सही हुआ तो हम इसको रख नहीं पाएंगे, वन माइनस वी टू हाफ कॉन्स्टेंट हो तो। ठीक है तो एम, एम की जगह मास एम वन, हमें कैसे भी एम वन चाहिए। ठीक है तो ये भी एम वन है, अगर हमें इसको वो करना है तो ये वाली टर्म जो डायमेंशन लेस करना पड़ेगा, इसको डायमेंशन लेस करेंगे तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं,
तो हम इसको सी को नीचे लिख सकते हैं, ताकि तो एल वन टी माइनस वन है तो दोनों से कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने 2.11 से 2.15 तक करा दिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।